हाय, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। ए आर रहमान, दिग्गज म्यूजिशियन। नैनो को मैं नम करूं, सुकून देता कान को। फिल्म गली बॉय में स्पिट फायर के गाने, असली हिप हॉप की एक लाइन है। बस रहमान का यही बिजनेस है, एक आदमी जो ऑस्कर से लेकर बाफ्टा और ग्रैमी सब कुछ जीत चुका है। इंडिया में उस आदमी के गानों को बुरी तरह से रिमिक्स करके बेचा जा रहा है बिना उनकी रजामंदी के। तो रिमिक्स के बारे में बात हो रही है। अब आप ये जानते हैं कि तनिष्क बागची कौन है। तो खैर, अपने गानों को रिमिक्स किए जाने के मामले में रहमान का जो कहना है वो ये है कि उन्हें सभी गानों में से, जो भी उनके आज तक रिमिक्स किए गए हैं, उनमें से सिर्फ एक पसंद है, बाकियों को वो अनोइंग और बहुत बुरी वाली कैटेगरी में रखते हैं। यार, रहमान ने रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत की और इस इंटरेक्शन में उन्होंने रिमिक्स ट्रेंड और उनके गानों को रिमिक्स करने के बारे में बात की है। उर्वशी से लेकर हम्मा हम्मा और मुकाबला को रिमिक्स किए जाने के बारे में रहमान कहते हैं कि वो इस प्रक्रिया के सख्त खिलाफ हैं। तमाम रिमिक्स गानों में से उन्हें सिर्फ ओके जानू में इस्तेमाल किया गया हम्मा हम्मा पसंद है, क्योंकि वो गाना फिल्म में हेल्प करता है। इसे बादशाह और तनिष्क बागची ने मिलकर बनाया था। हालांकि उसके बाद रहमान को अपने किसी भी गाने का रिमिक्स पसंद नहीं आया। सनद रहे कि अभी अभी आई वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्ट्रीट डांसर में रहमान का मुकाबला गाना रिमिक्स किया गया है, जिसे पब्लिक ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। जहां मार्केट और यूट्यूब के आंकड़े रिमिक्स गानों को काफी पॉपुलर और हिट कल्चर मानते हैं, वहीं रहमान का कहना है कि रिमिक्स गानों का जो ट्रेंड है वो तकरीबन खत्म हो चुका है। वो इस इंटरव्यू में आगे कहते हैं कि इन गानों को रिमिक्स करने वाली कंपनी को भी मैंने कहा था कि आप मुझे इस चीज यानी रिमिक्स का समर्थन करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, लेकिन मैं इससे नफरत करता हूं। अगर मैंने इसे सपोर्ट किया तो लोग मुझे ट्रोल करने लगेंगे। जहां तक रिमिक्स वाले ट्रेंड की बात है तो ये खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि लोगों को अब ये रियलाइज होने लग गया है कि फास्ट फूड वाला तरीका अपनाने के बजाय संगीत में प्यार और फिल्मों में नए गानों की जरूरत है। ए आर रहमान का म्यूजिक हमें आखिरी बार तलपति विजय की ब्लॉकबस्टर फिल्म बिगिल में सुनने को मिला था। अगर हिंदी की बात करें तो उनका आखिरी गाना फिल्म संजू में आया था। वो पिछले कुछ दिनों से अपनी फिल्म 99 सॉन्ग्स के गाने बनाने में व्यस्त हैं। इस फिल्म को रहमान ने खुद लिखा है और प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म दिल बेचारा और आनंद एल राय की अक्षय, धनुष और सारा स्टारर फिल्म अतरंगी रे का म्यूजिक वो करने वाले हैं, जिसका इंतजार हमें भी है और अगर आप फैन हैं तो आपको भी होगा। बाकी इस खबर के बारे में, रिमिक्स कल्चर के बारे में, ए आर रहमान के रिमिक्स गानों के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स खुला है, आप भी अपनी राय रखें। और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कविता कहानी के डेली डोज के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें हमारा हैंडल लटक डॉट लल्लन टॉप। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।